प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज ये टॉपिक लिया साम्स 119। ये टॉपिक के बारे में जनरली थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। ये देखते ही डर जाएंगे, सबसे इतना बड़ा भजन है, इसका लेखक कौन है करके बाइबल में व्यक्त नहीं किया है। ये कुछ जगह शीर्षक ऐसा दिया है कि पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक राह है, और कई जगह में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का ये मान उत्कृष्टता या उसका श्रेष्ठ बातों की मनन करने के लिए ये लिखा गया है। और मैं गूगल में जब ढूंढा कि इसके लेखक कौन है, तो लिखा है राजा दाऊद अपने बेटे सोलोमन को जब परमेश्वर के बारे में सिखाता था, तो उसने हिब्रानी के ये 22 अक्षर है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में कितना है, 26 है, ए टू जेड, ए बी सी डी जेड तक गिनेगा तो 26 है, लेकिन इब्रानी भाषा में 22 है। और आपके पास इंग्लिश या हिंदी बाइबल रहेगा तो उसमें आप ये भजन पढ़ेंगे तो हर एक शुरू होने के समय जैसे ऊपर आलेख लिखा है और उसका अक्षर भी लिखा है, आलेख का अक्षर, तो इब्रानी का अक्षर 1 से 22 तक का वर्णन दिया हुआ है। और बड़ी बात है कि हर एक ये जो स्टैंजा है, एक एक वो स्टैंजा में 8 वर्सेस है, तो 22 × 8 करेंगे तो 176 होता है, उसमें उसका पूरा कंप्लीट वर्णन। और ये वचन को अगर दिल से अब मनन करेंगे, आज हमारे बीच में कुलदीप नहीं है, लेकिन वो जब इसको 176 ऐसा बोलता था, वो देख के अपना दिल भर जाता था, तो इसमें इतनी गुप्त बातें परमेश्वर का लिखा, इसमें मनन करने वाले अपने यूथ कोई फिसलेंगे नहीं। इसलिए इसका यह 11वां वाक्य कैसा लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सके, मैं तेरे विरुद्ध कभी पाप ना करें। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमने हमारे हृदय में छुपा लिया है। और आगे एक उसके 9वां वाक्य में लिखा है, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखें तेरे वचन के अनुसार चलने से। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से जवान अपने आप को परमेश्वर के राह में एक अच्छा उसका वक्त बन सकता है। तो आज के दुनिया में जहां उनको इतने सारे टेम्पटेशन है, कहीं भी भटक सकते हैं, सिर्फ यूटी नहीं छोटे छोटे बच्चे भी भाग जाते हैं ऐसे समय में, क्योंकि हम उसको मीडियम पिछले फ्राइडे जो मीटिंग अटेंड किया तो उसको सबको समझ में आया रहेगा, मोबाइल एक खतरनाक चीज़ है जो बच्चे को हम उनको ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लेकिन हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक बड़ा एक जाल में फंसने के लिए। और जैसा शैतान वो देख रहा है कि कौन अपना खिड़की दरवाज़ा खोल रहा है कि उसको खा जाए, तो हमें परमेश्वर की राह से रोकने वाला एक ही जन है, वो शैतान, उसकी चाल अलग है। शैतान भयानक नहीं, वो मित्र के रूप में भी आ सकता है, आपका बहुत बढ़िया दोस्त के हिसाब से भी आ सकता है, कैसा भी कोई भी रूप धारण करके आ सकता है, और वो तो फुसलाने के लिए भयलाने के लिए उस आपके रूप में भी आया था उस समय, लेकिन आज का शैतान किसी भी रूप में भी आ सकता है। हम जिसको अपना परम मित्र, कोई कोई लोग बोलते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वचनों के हिसाब से जो आप जो विश्वास करके परमेश्वर में आया, ऐसे लोग के साथ ही संगति बनाना है, उसी में आपको बेस्ट फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है, तो आप लोग सही लाइन पे चल सकते हैं। तो ये जो डेविड अपने बेटे को आगे जाके हमने देखा, सुलेमान सबसे वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान एक राजा बना, उसको इस तरह से वो सिखा रहा था ये वचनों के ऊपर, और इतना ध्यान देके एक एक बात उस पर सिखाया होगा, तभी तो हम उसके बाद में ये देखते हैं कि नीति वचन आया, श्रेष्ठ गीता है, बहुत सारे सोलोमन ने किताबें लिखी हुई है। और ये भजन संहिता को हम एक मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन करके
माना जा मान सकते हैं। जैसा अगर हम दुकान से कुछ भी खरीदते हैं, कोई वह लेटेस्ट वॉशिंग मशीन लिया, अपना एसी लिया, तो इसके साथ एक बुकलेट आता है जो जिसमें मैनुअल जिसने बनाया हुआ उन लोग इसकी अच्छी बातें सब लिख के रखते हैं। इसमें कुछ परेशानी आ सकता है तो कैसा आ सकता है, वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। और हमें कुछ भी हम अगर फ्रिज भी मंगाए तो दुकानदार बोलता है आप लेके जाइए, लेकिन हमारा इंजीनियर आएगा जो इसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा, एक डेमो देगा। वो डेमो देने के बाद एक साधारण आपका मिक्सर भी लेगा तो भी बोलता है हमारा आदमी आके आपको डेमो देगा। तो डेमो देने के बाद ही आप उसको इस्तेमाल करें। तो ये भजन संहिता हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन है। परमेश्वर ने हमें बनाया, वो हमको बहुत अच्छी तरह से जानता है, हमारी खूबियाँ हमारी गलत बातें सब जानता है। तो हम उसकी गलत बातों में नहीं जाने के लिए ये मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन पे हमें ध्यान देना है। ये जब तक हम वचन को ध्यान दे के मनन करेंगे तो हम परमेश्वर की राह पर सही रूप से चलेगा। और परमेश्वर ये चाहता है कि उसके सारे बच्चे और परिवार में बच्चे बोलेगा तो सिर्फ माँ बाप ही ये नहीं देखने का। कई जगह ऐसा है बीवी जाती है चर्च में तो आदमी सोचता है कि वो जा रही है ना प्रभु का काम करने तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। एक परिवार में एक जन अगर भाई भक्ति दिखा के करता है तो काफी हमारा परिवार को संभाल लेगा, ऐसा नहीं है। वो पूरा परिवार के हर एक लोग का इन्वॉल्वमेंट होना है। इसलिए आज एक ट्रेजडी है कि जो पहले का जो प्यार है वो बहुत जन खो दिया है। जो हम जब पहले हम जो यीशु को अपनाया वो प्यार वो लगन आज धीरे धीरे धीमे धीमे वो खत्म होते जा रहा है किधर। तो ये नहीं होना है, हम उसमें और हमारा ध्यान रख के रखना है कि वो एक जो टाइम क्या करना है, थोड़ा जल्दी उठना है अपना इंडिविजुअल के लिए, जरा जल्दी उठ के जल्दी प्रार्थना में। आप टाइम फिक्स मत कीजिए, टाइम फिक्स किया तो वो शैतान भी देखता है, ये बोलता है कि 6 बजे उठने वाला है, उस दिन वो थोड़ा ज़्यादा नींद दे देगा आपको, उठने नहीं देगा। फिर आपको एक गलत ये हो जाएगा कि अरे आज मैंने 6 बजे प्रार्थना नहीं किया, एक गिल्टी फीलिंग। हमें गिल्टी फीलिंग होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप कुछ भी चीज़ पे रख के उसके ऊपर एक रबर स्टैम्प मार के ये मैं ऐसा ऐसा करेगा नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, मैं जल्दी उठूँगा। तो रात को सोने के टाइम में परमेश्वर से प्रार्थना कर लो, प्रभु मेरे को सवेरे उठ के आपके सन्निधि में बैठना है, तो परमेश्वर उठा लेता है। तो आप ऐसा फिक्स टाइमिंग करके इधर उधर बोलने के लिए भी मत जाओ। अपने जो अपने प्यारे मित्र हैं प्रभु में उनको बोल सकते हैं मैं इतना बजे उठता हूँ, लेकिन आपका जो टाइमिंग है आपके पास ही रखिए और वक्त आप करेंगे तो आपको और परमेश्वर ऊंचा उठाता है। आप जितना नम्र बन सकते हैं और जितना मतलब कोई भी सामने वाले भाई के सामने मैं उससे ज़्यादा प्रार्थना करता है, ऐसा कोई चैलेंज वैलेंज करने के लिए मत जाइए। सीखते रहिए, नम्रता रहो में रहेगा तो परमेश्वर आपको सिखाएगा और आपको ऊंचा उठाएगा। इसका 14 वाक्य जरा पढ़ेंगे। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। तूने अपने उपदेश, यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दे दिया है। फिर हम मत्ती का 28 से 28 में हम देखते हैं पूरा अधिकार उसको दिया गया। इसलिए जाओ पिता परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको सिखा के उनको बपतिस्मा भी देना है, और बाद में जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उनको सिखाओ बोला। तो हमें जो यीशु ने उस शिष्यों को सिखाया उन्होंने बुक के माध्यम से सब लिखा हुआ है। हमें भी जब पासवान हमें लेके आता है पासवान प्रचार करके हमें सिखाता रहता है, इसलिए हम भी एक दूसरे को ऐसा सिखाते रहे। हमको जो मिला है वो हम बांटते रहना है, तभी वो ये प्रिसेप्ट्स में हम लोग जो उपदेश में सही होता है। ये क्रिश्चियन रिलीजन का जो टीचिंग्स है वो हम सब लोग जानना जरूरी है। क्या एक बार मसीह में आ गया तो हमारा क्या काम है, जो पहला जो करते रहा वो नहीं है। एक यीशु में आना है मतलब आपका पिछला जीवन को आप हटा देते हैं, एक नया जीवन ले में
आप जीना चाहते हैं, पहला आपने जो पढ़ाई लिखाई करके आपको अच्छी बुद्धि बुद्धि होगा ओके, तो वो उसको पकड़ के साथ में नहीं रहना है, अपने आप को शून्य करना है और पवित्र वचन के सामर्थ्य में आगे बढ़ना है। अपने आप को नीचा करेगा, आपको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा आप बाइबल पढ़ने जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको नया परमेश्वर का वचन से आपको ऊंचा करेगा ओके। तो लेकिन अगर जूना बहुत को सीखा हुआ है तो हमको तो हमारा वो जूनापन और ये नया का इसमें युद्ध होता रहेगा, तो हम किसके यहाँ गिरेंगे वो अपने ऊपर निर्भर करता है, तभी हम पवित्र आत्मा को कितना चांस देता है कि हमें इस्तेमाल करें। परमेश्वर के सामने हम नम्रता से रहेंगे तो परमेश्वर हम तो लेके जाएगा। और पवित्र आत्मा ऐसा एक सहायक दिया है जो मनमानी नहीं करता है, वो उसको हम अपने आप पवित्र आत्मा के हाथ में कितना देते हैं उसके ऊपर से वो हमें चलाएगा, और वो सब हमारे कंट्रोल में है। तो पवित्र आत्मा ने बोला है इसलिए मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। फाइनली आप आपका खुद का मालिक है, आप जैसा चाहते हैं वो आप ही करेंगे, लेकिन उसका श्रेय गलत करके बोलना नहीं है कि पवित्र आत्मा ने जैसा बोला इसलिए मैंने ऐसा किया। वो जितना कम बोलेगा तो अच्छा है, लेकिन अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में डालने को सीखो, वो उसके चलाने के जैसा चलते रहो तो आपका हर एक चाल में लोग आपको देखेंगे, और वो दवाई जो हम देते हैं टेस्टिमनीज, वो ये प्रिसेप्ट परमेश्वर का टीचिंग्स में हम उसके उद्देश्यों के अनुसार जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ये गवाही आती है। गवाही नहीं तो ऐसे ही गवाही टेस्टिमनीज नहीं होता है, यहाँ के थोड़ा सर दर्द हुआ ठीक हो गया, ये सब गवाही नहीं है। परमेश्वर के राज्य के काम के लिए उसके उद्देश्यों को जान के उसके हिसाब से चलने लगेंगे तो परमेश्वर के राज्य को किस तरह बढ़ाने का परमेश्वर का काम है। अब एक्ट्स में जब पढ़ते हैं लिखा है कि ये जब चेले लोग सब एक साथ जब मिल के परमेश्वर का आराधना कर रहा था, उस वक्त पवित्र आत्मा आत्माओं को कलीसिया में लेके आया है। आज भी उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ कलीसिया में जो आए हैं इसकी उसके द्वारा बोले गए, लेकिन उनके मन को चेंज करने के लिए उनके अंदर जो पाप का एहसास दिलाने का काम सब पवित्र आत्मा ही करता है। वो पिता परमेश्वर का स्पर्श होने के बाद भी हम कितने जन से बात करते हैं, सब नहीं आते हैं। जब पिता परमेश्वर का स्पर्श हो जाता है तो पवित्र आत्मा उसको कंट्रोल में लेके उसको पाप का ज्ञान दिलाता है, उसको एहसास दिलाता है, और वो वैसा उसको लेके हमारे कलीसिया में लेके आता है। आज भी वही चल रहा है, जो हमारे कलीसिया में आया है उसका श्रेय कभी भी पवित्र आत्मा को दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। और उसका पांचवा वाक्य, भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। पहला था प्रिसेप्ट्स उपदेश, अभी है विधियों, ये है स्टैट्यूट्स। इसको अब एक एक कमांडमेंट हमको दिया गया है। यीशु में आने के बाद पहला कमांडमेंट क्या था हमको सबको, ये जाके बपतिस्मा लो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, ये एक आवश्यक एक कमांडमेंट है, लेना है तो लो, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारे कमांडमेंट दिया गया है, वो सब लिखा हुआ है, वो स्टैट्यूट्स को समझ के उसके अनुसार हमें जीना है। तो पहले उद्देश्य को बराबर सीख के, जैसे यीशु में आया तो उसके सारे उद्देश्यों को मानने का एक मन बनाना है। इसलिए जब प्रचार होती है, जब परमेश्वर के दास यहाँ से बोलता है तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तो उसके लिए अपने कान को खुला रखो। कान अपने को दिया गया है परमेश्वर के बाप को सुनने के लिए। आप प्रकटीकरण के पुस्तक में देखेंगे तो उसमें बार बार लिखा है कि जिसके कान है उसको सुनो। तो हमको ये कान अच्छी बातें परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए है। हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। एक बात मैं इस समय में थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बोल रहा हूँ, जैसा हम जानते हैं पिता परमेश्वर की दृष्टि हम सब पर बनी हुई है, उसका आंख हम सब के पास, आप किधर भी जाए हम छिप नहीं सकते हैं, आकाश में धरती में और समुद्र में कहीं भी जाके बैठो वो देख रहा है, वो है वहाँ।
तो वैसे ही आज हमारे सभा में थोड़ा सीसीटीवी लगाया, सोसाइटी में भी सीसीटीवी लगाने के बाद एक बोर्ड भी लिखा जाता है, आप सीसीटीवी के सर्वेलेंस में है, उसका ध्यान, मतलब आप जो भी कर रहे हैं किसी की नजर है आपके पास। तो यहाँ भी हम लोग बाद में कभी भी देखते हैं, तो मैंने देखा है कभी कभी, आज तो हॉस्टल देख रहा है इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कभी भी कभी अपने बच्चे लोग जाते हैं, बाहर खड़ा हो जाता है, वचन का प्रचार में उनको क्यों नहीं इंटरेस्ट है। हम लोग को ध्यान देना, ये जो रोल करते हैं हम लोग आराधना में, पहला उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसमें हम लोग सब मिलके करते हैं, जब बाद में इधर जो प्रचार होते हैं, ये परमेश्वर यहाँ जो आया है वो मनुष्य है हमारे जैसा है, लेकिन उसको बोल भी, जैसे बोलते हैं ना पवित्र आत्मा के अभिषेक से बात करो, हम सब प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ हमारी बोली से आज मैं जो रीड किया अभी मैं वैसा बात ही नहीं कर रहा मैं जो मैं मैसेज में लाया वो वैसे मुंह से नहीं निकल रहा है, पवित्र आत्मा ही चलाता है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन आता है, इसको ध्यान देना जरूरी है, वो वचन क्या निकल रहा है और वो लिखना है, और क्या कभी मैं गलत भी बोल सकता हूँ, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है कुछ भी बंडल मार्क्स ये जा सकता हूँ, ये आपको लिखना है और जाके बाइबल में रेफर करना है, ये बराबर बोला है कि नहीं, और बाद में आके मुझको पकड़ के बोल सकता है आपने ये बोला गलत है, करेक्शन भी करना है, किसी ने गलत बोल दिया और उसको उसने गलत बोल के छोड़ना नहीं है, यहाँ हमको सब आज़ादी है, हम सब परमेश्वर में भाई लोग हैं, ठीक है, एक एक रोल सबको दिया गया लेकिन हम सब भाई है, जब वचन दिया जाता है तो वचन तो हम सब का है, एक एक पास्टर्स लोग का ही वचन नहीं है, वचन हम सब परमेश्वर के बच्चों के लिए, और अब भजन संहिता 138 का सेकंड पार्ट पढ़ना, दो का, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नाम में हमको क्या, द नेम ऑफ जीसस नेवर फेल्स ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर के नाम से हमको कभी हारना नहीं है, वो हमें जयवंत रखते हैं, हमें किस चंगाई देता है उसके नाम से, उसको हर एक छुटकारा देता है, इतना बढ़िया नाम है परमेश्वर के नाम। यहाँ दाऊद लिखता है, तूने तेरे वचन को भी उसके नाम से भी ऊंचा स्थान दिया है, तो परमेश्वर का वचन और कितना महत्व है, उसमें कितना जान देता है, स्वर्ग और धरती पृथ्वी ढल जाएंगे लेकिन मेरे वचन नहीं ढलेगा, ऐसा खुद यीशु ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी ढल जाएंगे, बनाया हुआ चीज ये सब ढल जाएंगे लेकिन उसका वचन नहीं ढलेगा, तो ये वचन कितना इम्पोर्टेंट है, ये वचन हमको कितना ध्यान करना है, ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है वो जान लीजिए। नेक्स्ट वर्स 6 पढ़े, तब मैं तेरे सब आज्ञाओं की ओर चित लगाए रहूंगा और मेरी आशा न लुटेगी। मेरा बाइबल में मनन करूंगा लिखा है, आज्ञाओं का, ये कमांडमेंट्स है जो हमको परमेश्वर ने दिया है, उसकी सारी आज्ञाओं का, जो प्रार्थना करते वक्त जो लास्ट बेनिडिक्शन में भी बोलते हैं परमेश्वर, जब हमको प्रार्थना समाप्त करते हैं तो जो आशीर्वाद बेनिडिक्शन होता है उसमें एक ये भी ऐड किया जाता है कि तेरी सारी आज्ञाओं को, परमेश्वर ने जो जो आज्ञाओं को दिया, बाइबल पढ़ने से हमको परमेश्वर हमारे प्रति क्या क्या लिखा है, परमेश्वर का विल क्या है, उसका विल क्या बोलेंगे, इच्छा क्या, परमेश्वर की इच्छा हम पर पूरी होने के लिए परमेश्वर क्या क्या लिखा है, ये जब वचन पढ़ेंगे तभी हमें हमारी समझ में आएगा, और उसकी आज्ञाओं को मनन करने के लिए, उसको मेडिटेट करने के लिए, उस पर ध्यान लगा के आगे बढ़ने के लिए हमें कहा गया है। और नेक्स्ट, जब मैं तेरे धर्मों में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। ये वापस से उसके नियमों को, ये उसके कानून, लॉ, कैनन इंग्लिश में सब लिख गया, वैसा काफी चीज है परमेश्वर का नियम, नियम हर बात के लिए एक नियम दिया है, हमें परमेश्वर ने आजादी दे दिया है, पाप से आजादी दिया, पाप से लंबा रहने के लिए आजादी दिया, लेकिन यीशु में आने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं, फ्रीडम उसके लिए नहीं दिया, परमेश्वर का वचन ध्यान करना है, उसके उद्देश्यों को, उसका प्रिसेप्ट, उसके स्टैट्यूट, उसके कमांडमेंट्स, ये सब पे अगर हम लगे रहेंगे तो क्या होता है,
अगर हम सब ये सब लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके हिसाब से उसके अनुसार जब चलते हैं तब आती है गवाही टेस्टिमनीज। ऐसे हम एक जीवन व्यतीत करने लगेंगे परमेश्वर के सन्निधि में, उसके वचनों को ध्यान देके उसके अनुसार उसका हर एक नियम क्या है समझ के जिएंगे तो गवाही बनती है, परमेश्वरीय गवाही बनती है। परमेश्वर के गवाही के लिए बहुत भजन संगीता काफी उसको धन्यवाद देते हैं तेरे टेस्टिमनीज के लिए, परमेश्वर की टेस्टिमनीज के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या, प्रभु यीशु ने अपना काम पूरा करके गया, अभी बाकी बचा है काम करने के लिए परमेश्वर के जन है, उसके कलीसिया के लोगों को काम करना है। और उसके द्वारा जब उसके ये उपदेशों उसके कानून जो भी आज्ञा हो उसका कमांडमेंट ये सब हम बराबर परमेश्वर को जान के उसके हिसाब से जिएंगे तो गवाही बनती है। और हमें यह अच्छा गवाही देना है और वो गवाही हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, देखे वाह ये भाई ऐसा है, ये बहन सिस्टर कितना लगाव के साथ काम करता है। और कुछ टेस्टिमनीज की कमी नहीं है जो मैं देखता हूँ, जो अभी संडे के खाने के लिए सवेरे 7:15 बजे से जो टीम आती है वो काम जो करते हैं उन लोग अपना ध्यान से इंटरेस्ट के साथ, वो ही बड़ा गवाही है। बस यहाँ खत्म होते 5 मिनट में हमारे हाथ में प्लेट आ जाता है और ये अभी तो खाना बन चुका है ना, 9 बजे रेडी है, लेकिन आपको 12:30-12 बजे आपको गर्म प्लेट मिलता है। मैं विल्सन भाई से पूछा ये गर्म कैसा रहता है, 9 बजे 3 घंटा हो गया हमारे हाथ में जो प्लेट आती है गर्म आता है। तो परमेश्वर का कृपा है उन बहनों के लिए, आप एक अच्छा मिसाल बना रहे हैं, अच्छा गवाही दे रहे हैं प्रभु का काम के लिए, इसलिए प्रभु आप उसको जरूर आशीष दें। मैं समाप्त भी करना चाहता हूँ एक और बार आप लोग को रिमाइंड करने के लिए, भजन 119 ये मैंने सिर्फ आपको ABC इसके सी का 18वां वाक्य पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को अद्भुत बातें देख सकूं। ये जो वचन है ये सब लोग मनन करना है और ये वचन को एक प्रार्थना के तौर पे परमेश्वर से बोलना है, प्रभु मैं तेरे वचन को ध्यान करने जाता हूँ इसलिए मेरे अंदर की आंखें को खोल दे कि तेरे अद्भुत तेरे वंडरस थिंग को तेरे हर एक बात जो है लॉ इसको अच्छी तरह से समझूं। और ये जब समझ में आया तो हम परमेश्वर के लिए एक ज्योति के रूप में बन जाएगा। और एक वचन है जो हमारे पासवान अक्सर बोलते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक उजियाला का काम करते हैं और ये जब दीपक हमारे अंदर आता है तो हमें अंधकार दिखेगा नहीं, हमारी हर रात रास्ते में उजियाला होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया जब इस उजियाले में बढ़े तो ये सारे 12वीं गांव के हर एक गांव में एक ज्योति मंडने पाए, तो ये जरूर करेगा इस विश्वास के साथ।